राज्य सरकार की ओर से ब्यावर को जिला घोषित किए जाने के बाद प्रशासनिक तथा राजनीतिक हलके में हलचल शुरू हो गई है। इसी क्रम में मंगलवार को अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप ब्यावर पहुंचे। जिला कलेक्टर ने सबसे पहले ऑफिसर सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग स्टेट हाईवे के तहत बन रहे मार्गों के निर्माण संबंधी प्रगति की जानकारी लेते हुए राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि राजमार्गों के निर्माण के दौरान आसपास के गांवों को होने वाली पेयजल सहित अन्य समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उनका समाधान शीघ्र ही करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान SDM रजल सिंह, डिप्टी मनीष चौधरी तथा अन्य विभागों के अधिकारी तथा प्रतिनिधि मौजूद थे। इसके बाद जिला कलेक्टर ने ब्यावर को जिला घोषित कर देने के बाद शहर में बनने वाले जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए पूर्व में चिन्हित किए गए स्थानों के ड्राफ्ट का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने SDM सिंह ने इन स्थानों की स्थिति के बारे में गहनता से जानकारी ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि ब्यावर को जिला बनाए जाने के बाद यहां पर जिला स्तर की व्यवस्थाएं की जानी है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए जगह तय की गई है, उनका अवलोकन किया जा रहा है। कार्यालय बनाए जाने से पूर्व आमजन की पहुँच, दूरी तथा आवागमन की सुगमता को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालयों की ओर से की जा रही हड़ताल के बारे में जिला कलेक्टर ने बताया कि हड़ताल के चलते आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी के साथ साथ मंगलवार को सरकारी चिकित्सकों की ओर से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की जानकारी मिली है। इस हेतु सरकारी अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसके लिए अतिरिक्त ड्यूटी के माध्यम से चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। हाईवे काफ़ी सारे हाईवे चल रहे हैं और उनके काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, तो हमारे स्तर पर रोड सेफ्टी की मीटिंग होती है, परंतु ब्यावर के संबंधित क्योंकि यहाँ पे हाईवे ज़्यादा है तो एक बैठक हमने हाईवे और संबंधित डिपार्टमेंट्स के साथ में किया है। किस हिसाब से यहाँ पे एक्सीडेंट्स को कम किया जाए और किस हिसाब से जो लोगों की सुविधा हाईवे की बढ़ सके उसका एक बार रिव्यू किया जाए। साथ ही साथ ब्यावर जिले की घोषणा भी हुई है, तो उसके लिए क्या ग्राउंड वर्क जो प्लानिंग है कैसे हुआ है, उसके लिए कहाँ कहाँ पर जमीन चिन्हित करनी है, कहाँ आवंटित करनी है और क्या प्लानिंग रहेगी उसका भी एक बार रिव्यू। इसके बाद में एक बार पंचायती राज के कुछ फील्ड के वर्क्स हैं उसको भी। सर, जो गवर्नमेंट ऑफिस मेरी एक्सरसाइज की, परंतु अभी एक्सरसाइज जो डेट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बहुत जल्द हम उस स्थिति के अंदर आ जाए। जो नॉर्म्स हैं उसको भी देखा जा रहा है, कोशिश यही रहेगी कि लोगों की सुविधा अधिक से अधिक हो सके और लोगों को जो ट्रैवल है, जो कोई बाहर से आता है उसका ट्रैवल डिस्टेंस कम से कम हो, ये प्रिंसिपल रखते हुए कार्रवाई करने के लिए। जहाँ पर भी डॉक्टर्स की कमी आएगी, प्राइवेट की हड़ताल ज़्यादा थी उसके हिसाब से गवर्नमेंट के अंदर व्यवस्था बैठी थी, आज कुछ गवर्नमेंट के भी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल में जैसा हमें बताया गया है, तो उसके अंदर भी जो व्यवस्था करवा ली उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं क्या एक्स्ट्रा ड्यूटी करें, किसी तरीके से समस्या ना आए उसका पूरा प्लान। नाल बजे घड़ियाल भला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवण दा सजी शहबाज कलंदर, टमाटम मस्त कलंदर, लाल दा पहला नंबर सजी शहबाज कलंदर, मस्त कलंदर।